Hello dear student, welcome back to your online class. This is class 8, subject Maths, chapter 13, Direct and Inverse Proportion, exercise 13.2. In previous video, we solved till question number 7. Today we solve question number 8. A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज. ठीक है, तो आप बेटा क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं. अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज. ठीक है, आपकी एक फैक्ट्री क्या करती है, फैक्ट्री में जो 42 मशीन्स हैं, गिवन नंबर जो आर्टिकल है उनको प्रोड्यूस करने में कितने दिन लगाती हैं, 63 डेज लगाती है. तो आपको बताना है हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज. तो आपको बताना है कि कितनी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी या जरूरत होगी सेम आर्टिकल को क्या करना है, प्रिंट करना है या प्रोड्यूस करना है. अगर क्या है नंबर ऑफ डेज, हम क्या कर दें यहाँ पे 63 की जगह 54 कर दें. ठीक है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो इसमें करते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन्स, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन्स बी एक्स. ठीक है, तो लेट करने हमने जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन्स हैं जो क्या करेगी सेम आर्टिकल को प्रोड्यूस करेगी 54 डेज में. ठीक है, तो कॉलम बना लेते हैं बेटा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, नंबर ऑफ मशीन्स एंड सेकेंड कॉलम बनेगा बेटा नंबर ऑफ डेज. ठीक है, तो नंबर ऑफ मशीन्स जब बेटा 42 मशीन्स ही तो आर्टिकल प्रोड्यूस करने में कितने डेज लग रहे थे, 63 डेज. ठीक है, तो आपको बताना कि आर्टिकल तो सेम है बट क्या करना है कि अगर क्या है नंबर ऑफ डेज को हम 54 कर दें. सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, इफ हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल. अगर नंबर ऑफ आर्टिकल सेम है और क्या डेज को हमने क्या कर दिया 63 से 54 कर दिया, तो आपको बताना नंबर ऑफ मशीन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी. तो लेट हमने ये वाला क्या कर लिया, एक्स कर लिया. ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे बेटा. ठीक है, तो पहले इसमें लेट कर लेते हैं लेट. ठीक है, अगर यहाँ पे विजिबल नहीं है तो मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ. ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ मशीन्स एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रपोर्शन. लेट हमने कह लिया नंबर ऑफ मशीन्स एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रपोर्शन. बेटा देखो नंबर ऑफ डेज को हम क्या कर रहे हैं 63 से 54 कर रहे, डिक्रीज कर रहे हैं ना. तो देखो अगर कोई भी क्वांटिटी दो वैल्यूज है हमारी एक्स और वाई ले लेते हैं, तो लेट अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की जो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी x के वो डिक्रीज होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है नंबर ऑफ डेज क्या हो रहा है यहाँ पे 63 से 54 हो रहा है, मीन्स डिक्रीज हो रहा. तो नंबर ऑफ मशीन्स क्या होना चाहिए यहाँ पे, देखो नंबर ऑफ डेज क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा, तो नंबर ऑफ मशीन्स क्या होना चाहिए यहाँ पे इनवर्स क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए. तो हम कह सकते हैं ये क्या है, इसीलिए हमने क्या किया इसे इनवर्स रिलेशन में दिखाया. ठीक है, तो इनवर्स में होगा तो हम क्या कह सकते हैं दैट इज एक्स वन वाई वन इक्वल्स टू एक्स टू वाई, एक्स वन वाई वन इक्वल्स टू एक्स टू वाई टू. तो बेटा जब एक्स वन की वैल्यू क्या आ जाएगी 42, जब नंबर ऑफ मशीन्स 42 थे तो नंबर ऑफ डेज कितने थे हमारे पास 63. जब एक्स टू नंबर ऑफ मशीन्स कितनी थी एक्स थी, तो नंबर ऑफ डेज कितने थे 54. तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे बेटा, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 42 मल्टीप्लाइड बाई 63 डिवाइड बाई 54. ठीक है, तो यहाँ से 54, तो 9 से डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, 9 6 54 9 7 63 6 7 42. तो यहाँ से क्या बचा बेटा, x की वैल्यू आ गए 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल्स टू 49. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन्स
इक्वल्स टू 49। ठीक है, तो बेटा देखो नंबर ऑफ मशीन्स कितने आ गए हमारे यहाँ पे, x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर ली 49। अब देखो हमने क्या हो रहा था, इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि जो भी वैल्यू हमारी क्या है, अगर एक वैल्यू को हम इंक्रीज करें तो उसकी जो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, तभी हम क्या बोल सकते हैं, इनवर्स रिलेशन। अब देखो नंबर ऑफ मशीन्स को हमने देखो, अब वैल्यू तो हमारी फाइंड होगी, अब देखो 42 से 49 हुआ, इंक्रीज हो रहा है तो डेज हमारे क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, या हम बोल सकते हैं डेज हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो मशीन नंबर ऑफ मशीन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, और हमारी वैल्यू भी आ गई कि जब क्या है, सेम आर्टिकल प्रोड्यूस करने में अगर नंबर ऑफ डेज 54 लग रहे तो नंबर ऑफ मशीन्स कितने लगेंगे बेटा, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर लेते हैं। अ कार टेक्स 2 आवर्स टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना कि एक कार क्या करती है, किसी डेस्टिनेशन को कवर करने में, ठीक है, 2 आवर्स का टाइम लेती है और कितने की स्पीड से ट्रेवल करती है, 60 किलोमीटर पर आवर्स के। तो आपको बताना कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो आप कितना टाइम लेगी अगर क्या है, कार की जो स्पीड है हमारी क्या हो जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, पैटर्न वही फॉलो हो रहा है। अभी तक देखो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने जो भी किया है सब में पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है, तो आप क्या है खुद से भी ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम फिर से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड टाइम बी एक्स। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड टाइम बी एक्स। ठीक है, तो फिर से इसमें कॉलम बना देंगे बेटा। ठीक है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड कॉलम बनाएंगे इसमें टाइम इन आवर्स, टाइम इन आवर्स। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें चेक करेंगे, स्पीड जब हमारी कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उस टाइम जो कार डेस्टिनेशन में पहुंचने में कितना टाइम लगा रही थी, 2 आवर्स का टाइम लगा रही थी। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अगर स्पीड को हम क्या कर दें, 80 किलोमीटर पर आवर्स कर दें। ठीक है, तो डेस्टिनेशन पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, लेट हमने क्या कर लिया, एक्स आर ले, तो पहले वाला 2 आवर्स था, ये वाला क्या है हमारा, एक्स आवर्स ले लिया हमने। ठीक है, इसको फिर से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेट क्या कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार एंड टाइम टेकन स्पीड ऑफ कार एंड टाइम टेकन आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, लेट हमने क्या कर दिया, लेट द स्पीड ऑफ कार एंड टाइम टेकन आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे तो क्या होगा, फिर से x1 y1 = x2 y2। ठीक है, x2 y2, तो x1 मींस जब स्पीड 60 थी तो उस टाइम बेटा टाइम कितना लग रहा था, 2 आवर्स का लग रहा था डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। ठीक है, जब स्पीड हमारी 80 किलोमीटर होगी तो टाइम कितना लग रहा था, हमने लेट कर लिया x, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 60 × 2 / 80। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, 0 से 0 कैंसिल, 6 × 2 कितना हो गया बेटा, 12 / 8। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 × 3 = 8, 4 × 3 = 12, तो 3/2 मीन्स 1.5 आवर्स। ठीक है, या बोल सकते से 1.5 आवर्स। ठीक है, तो बेटा देखो जब स्पीड को हम क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, मीन्स 60 से हमने 80 किया, तो टाइम टेकन में इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि अगर हम एक वैल्यू को इंक्रीज करें तो दूसरी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो अब देखो टाइम पहले 2 आवर्स लग रहा था, फिर अभी हमारा एक्स लग रहा था, एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 1.5 आवर्स। तो टाइम में क्या आ रहा, डिक्रीज आ रहा, तो इनवर्स रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो आप लिखोगे यहाँ पे, हैंस द रिक्वायर्ड टाइम इक्वल्स टू 1.5 आवर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 को रीड कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, टू पर्संस कुड फिट न्यू विंडोज इन हाउस इन 3 डेज, ठीक है। दो पर्संस क्या करते हैं, किसी नए घर में क्या करते हैं, ठीक है, किसी घर में या नए घर में बोल सकते हो, क्या विंडोज फिट करते हैं, नई विंडोज फिट करते हैं 3 डेज में, ठीक है। इसके दो पार्ट है बेटा, फर्स्ट हम चेक करते हैं, वन ऑफ द पर्संस फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही काम स्टार्ट होता है उसमें से एक आदमी क्या पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो बोल रहा है कि अब उस जॉब को या उस वर्क को कंप्लीट करने में, विंडो लगाने के वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगे, ठीक है। तो इसमें भी इसके अलग सेपरेट सेपरेट हम सॉल्व कर लेंगे पार्ट को, ठीक है। तो फर्स्ट आपको करना है, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। लेट, ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बी एक्स। सेम क्वेश्चन नंबर 9, जैसे पैटर्न पुराने क्वेश्चनों में, प्रीवियस क्वेश्चन जो भी हमने किए उनमें फॉलो हो रहा, सेम इसमें भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा। तो कॉलम बना देंगे नंबर ऑफ पर्संस एंड नंबर ऑफ डेज, ठीक है बेटा, कॉलम बना लेंगे। नंबर ऑफ पर्संस जब कितने थे, ठीक है, टू, देखो क्वेश्चन में क्या था, टू पर्संस कुड फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 डेज, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ पर्संस टू थे तो कितने दिन में फिट हो रही थी विंडो, 3 डेज में, ठीक है। नेक्स्ट, अब बेटा क्या बोल रहा है कि एक पर्सन उसमें से क्या हो गया, इल हो गया जॉब को स्टार्ट या वर्क को स्टार्ट करने से पहले, मीन्स नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 2 - 1 = 1, एक इल हो गया तो कितने पर्सन बचे, 1, तो नंबर ऑफ डेज आपको बताना है। तो नंबर ऑफ डेज हमने लेट क्या कर लेता है, एक्स कर लेता, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पर्संस आर इन, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इनवर्स प्रोपोर्शन, आईपी लिखती हूँ, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज x1 y1 = x2 y2। तो यहाँ से x1 y1 की वैल्यू रखेंगे बेटा, x1 की 2 थी, y1 की हो गई 3, यहाँ से हो गए x2 की हो गई बेटा 1, y2 की हो गई x की वैल्यू यहाँ से आ गई बेटा 6, ठीक है। x2 की कितनी आ गई 6। तो बेटा जब नंबर ऑफ पर्संस 2 थे तो नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे थे, 3। नंबर ऑफ पर्संस 1 हो गया, मीन्स नंबर ऑफ पर्संस को हम क्या करें, डिक्रीज करें, तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका बेस्ड है, इनवर्स प्रोपोर्शन पे। अब देखो नंबर ऑफ डेज, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई ना, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो गया, इंक्रीज हो रहे, 3 से 6 हो गया, तो हमारा इनवर्स रिलेशन भी वेरीफाई हो गया और नंबर ऑफ डेज जो हमें फाइंड करना था वो भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आते हैं, देखो बेटा इसका भी सेम क्या होगा, अब देखो इसका जो बी वाला पार्ट है, हाउ मेनी पर्संस वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे, ठीक है। आपको सेम क्या करना, लेट द, ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्संस बी, ठीक है, एक्स लेना आपको, ठीक है। सेकंड जो इसका पार्ट होगा, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्संस बी एक्स। अब देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछ रहा, अगर क्या करना है कि वर्क को 1 डे में कंप्लीट करना, तो नंबर ऑफ वर्कर्स बोलना है, ठीक है, हाउ मेनी पर्संस या वर्कर्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। आपको क्या करना है, अब देखो सेम क्वेश्चन आपको फॉलो करना है, ठीक है। नंबर ऑफ क्या करना है, आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्संस को एक्स ले लेना, फिर से कॉलम बनेगा नंबर ऑफ पर्संस एंड नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ पर्संस में से स्टार्टिंग में क्या था, 2 पर्संस थे, नंबर ऑफ डेज 3 था। अब नंबर ऑफ पर्संस हमें फाइंड करने हैं, बट नंबर ऑफ डेज हमें क्या है, 1 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा x, तो यहाँ से फिर से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, या इसको कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्संस, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्संस बी, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, y ले लेते हैं, ठीक है। फिर से कॉलम बनेगा बेटा नंबर ऑफ पर्संस एंड नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्संस जब 2 थे तो नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे थे बेटा, 3। अब नंबर ऑफ डेज हमें, नंबर ऑफ पर्संस हमें फाइंड करने, वो हमने लेट कर लिया, बट नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे, 1 लग रहे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी पर्संस वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। तो डेज कितने हो गए, 1 हो गया, नंबर ऑफ पर्संस हमने वायलेट कर लिया,
ठीक है। तो यहां से फिर से करेंगे, लेट द नंबर ऑफ पर्संस एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया बेटा मैंने, आईपी लिख दिया यहां पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दैट इज क्या बोल सकते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। तो यहां से x1 की वैल्यू जब नंबर ऑफ डेज 2 थे, नंबर ऑफ पर्सन 3 लग रहे थे, नंबर ऑफ डेज हमने क्या ले लिया था, नंबर ऑफ पर्सन सेकंड में y ले लिया था, तो नंबर ऑफ डेज कितने थे बेटा 1। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, नंबर ऑफ पर्सन 6 आ गया, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, देखो नंबर ऑफ डेज को डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू उसकी लेफ्ट साइड में वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। देखो नंबर ऑफ पर्सन पहले 2 थे, y की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली यहाँ पे, 6 निकाल ली, तो नंबर ऑफ पर्सन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं ना, नंबर ऑफ डेज को डिक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो करस्पॉन्डिंग, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, ये इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये। अब देखो नंबर ऑफ पर्सन हमारे क्या आगे, नंबर ऑफ डेज हमने डिक्रीज किया, तो नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो गए, तो इनवर्स रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया और हमारी जो वैल्यूज है नंबर ऑफ पर्सन वो भी हमने फाइंड कर लिया। बेटा क्वेश्चन नंबर हमने 8, 9, 10 कर लिया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बसता है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ स्कूल हैज 18 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड B, if the school has 9 period a day, assuming the number of school hours to be the same, ठीक है। आपको बताना है बेटा कि अगर क्या है, स्कूल किसी स्कूल में, या लेट हम अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे कितने पीरियड होते हैं, 8 पीरियड होते हैं, एंड ईच पीरियड इज 45 मिनट। तो आपको बताना है कि अगर हम क्या करते हैं, स्कूल में क्या है, सेम टाइम स्कूल टाइमिंग का जो आवर्स है वो सेम रखें और नंबर ऑफ पीरियड्स को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि ईच पीरियड कितने, जो ईच पीरियड का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, होमवर्क के लिए होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद से करोगे, ठीक है। इतने हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 हमने क्या है, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो एटलीस्ट क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू क्लास।